अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अस्सलाम, यासीन मेमन मेरा नाम है। सर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? देखते हैं, खेलते नहीं। बचपन में खेले? बिल्कुल खेले। इंटरेस्ट कितना है वर्ल्ड कप के? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड कप काफ़ी अर्से के बाद होने जा रहा है और होना चाहिए ये, और पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है तो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो है लेकिन इंडिया जाना पड़ेगा, आपके ख्याल में इंडिया जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को या नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है टीम यहाँ नहीं आना चाहती क्योंकि ये सीन? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है इनकी, वो डिग्रेड करना चाहते हैं वर्ल्ड के सामने कि ये अनसेफ है। पाकिस्तान को जाना चाहिए और जाकर उनकी ज़मीन के ऊपर जीत कर आए तो मज़ा और आएगा, पूरी वर्ल्ड देखेगी कि क्या कर आए हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंतहाई मजबूत टीम है, वो ज़रूर जाना चाहिए। इरिस्पेक्टिव वो कुछ भी कहें, हम अपने आप को क्यों पीछे रखें वर्ल्ड से? वर्ल्ड कप अगर हम नहीं जाएंगे फिर भी वो कर लेंगे। होता ये है कि जैसे हमारे बिलावल भुट्टो साहब गए तो इतनी रिस्पेक्ट उनको नहीं दी गई, टीवी चैनल्स ने उनको बायकॉट किया, उनको कवरेज नहीं दी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम जब जाएगी उनको रिस्पेक्टफुली डील किया जाएगा या फिर इसी तरीके के टैक्टिक्स जो हैं वो? मुझे लगता है कि ये गेम को गेम रखेंगे और उसमें पार्टिसिपेशन में उनको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इंटायर वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्शन भी उठाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गए थे वो पॉलिटिकल इशू पर गए थे, इससे कि वो एक वजीर खारजा है, वो उनकी फेवर की तो बात नहीं करेंगे कभी भी। सर वो जो वजीर खारजा को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए तो वो नहीं दे रहे, इसलिए कि वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बहुत ऊंचा मुल्क समझने लगे इंडिया, और उनकी जहन में एक थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इकोनॉमी वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, तो इसलिए उन्होंने ये मतलब ये जो हरबे जो इस्तेमाल कर रहे हैं डिग्रेड करने के, और कोई इशूज़ नहीं है। सर बाबर आजम साहब कप्तान ठीक है? बात बहुत अच्छे हमारे खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी पहले भी आते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं। बाबर आजम हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, हमारे पास टीम बहुत अच्छी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम जीत के आएगी। सर इस बार जो टीम है उसको गोल्डन टीम कहा जा रहा है क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, लोगों का ये भी कहना है कि एक दूसरे का साथ देते हैं, लेग पुलिंग जो है इस बार नहीं है और यंग टीम है, टैलेंटेड है, आप इस बारे? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रीवियस दौर के अंदर जो है लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा थी, पर्चियाँ चलती थी, प्रेशर आता था कैप्टन के ऊपर, वन वे और द अदर पॉलिटिकल प्रेशर भी आता था और जगहों से भी आता था, लेकिन इस दफ़ा जो है जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक साथ सबको मिलाया ग्रुप को और उनमें से ये चीज़ ख़त्म कर दी है, तो ये अच्छी अलामत है। चेयरमैन जो है अभी चेंज हुए, आपको लगता है जिस साल में वर्ल्ड कप हो उस साल में जो है चेंज किया जाना चाहिए चेयरमैन? ये हमारे हिसाब से बहुत ही गलत काम किया है, कम से कम वर्ल्ड कप हो जाना चाहिए था, इसके बाद आप चेंज करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में ये है कि प्रोफेशनल्स को नहीं लाते हैं, पीसीबी का चेयरमैन कम से कम इतना प्रोफेशनल हो कि कई सारे टेस्ट मैच खेले हुए हो। आप लोग कभी जर्नलिस्ट को लेकर आते हैं, कभी मीडिया कोऑर्डिनेटर, कभी शुगर मिल का मालिक को, तो इससे क्या उसको तो कुछ भी नहीं आता है। प्रोफेशनल लाएँ जैसे वसीम अकरम है, शाहिद आफरीदी है, इनकी कैरियर निकल गई है, आजकल के दौर के लोगों को लाएँ। मैं नहीं कहूँगा कि उस वक्त के आप सादिक मोहम्मद को लेकर आए या मुश्ताक मोहम्मद को लेकर आए, अब वो तो एब्सोल्यूट हो गए, या आसिफ इकबाल या ज़हीर अब्बास, आप वसीम अकरम को लेकर आएँ, आप शाहिद आफरीदी को लेकर आएँ, ये लोग काम करेंगे, काम करने वाले लोग हैं। शाहिद आफरीदी साहब को जब नायब कप्तान बनाने की बातें आईं तो बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि फेवरेटिज्म जो है वो होगा, अगर वो आ गए तो आपको ख्याल में कोई प्रॉब्लम? शाहिद आफरीदी जैसा ईमानदार आदमी, हार्ड वर्किंग आदमी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, आउट स्पोकन बंदा, पीसीबी को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ना वो पैसे लेता है, ना मैच फिक्सिंग करता है, ना किसी की बात सुनता है, जो सही होता है वो सही बात करता है। मैच फिक्सिंग के कितने चांसेस हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब क्यों लगता है? पाकिस्तान के इन्वायरमेंट सही नहीं है इसकी वजह से। क्या इन्वायरमेंटल वो फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना ये सही नहीं है मैच? पीसीबी का स्ट्रक्चर सही नहीं है अभी इस वजह से, बाकी खिलाड़ी सब सही हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन जो इंटरनल जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसी से फिक्सिंग होगी। मैनेजमेंट को एक मैसेज? मैनेजमेंट को मैं यही मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए इसको छोड़ दें वर्ल्ड कप को, इसमें कोई भी जो पॉलिटिक्स ना खेले, ना कोई मैच फिक्सिंग करे, प्योरली मेरिट के ऊपर बंदे रखें और दुआ करें और उनको ताकीद करके जीत कर आए,
और जीते तो उनके लिए इनाम भी अच्छे अच्छे रखे ताकि बंदा मेहनत ज़्यादा करे।